हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमें बॉटम आउट शेयर बताइए। बॉटम आउट शेयर मतलब जो एकदम लो पर चल रहा है और यहाँ से गिरने की संभावना कम है और ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा ही शेयर आपको बताने जा रहा हूँ जो कि फंडामेंटली अच्छा है। और उसमें मॉर्गन स्टैनली ने भी बाय कॉल दिया है और मॉर्गन स्टैनली ने जिसका टारगेट दिया है वो अभी करंट प्राइस से 30% अप का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने दिया है इस शेयर के बारे में। तो ये शेयर का जो है करीब करीब 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है और इसमें अभी गिरने की संभावना कम है और चलने की संभावना ही ज़्यादा है। कौन सा शेयर है आइए बताता हूँ। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी है जिसका आज का रेट था 3,824 रुपीज़ जबकि 52 वीक हाई था 4,950 रुपीज़। इसका 52 वीक लो के आसपास ही ये शेयर चल रहा है। कंपनी का पी है 50 का, ईपीएस है 73 का, डेट टू इक्विटी रेशो है 0.40, सभी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का आरओसी है 21%, आरओई है 18%, दोनों भी काफ़ी बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग है 29%, एफआईआई का होल्डिंग है शानदार 18.50% और डीआईआई का होल्डिंग भी शानदार है 26%। कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। जून 22 में प्रॉफिट था 74 करोड़, मार्च 23 में था 136 करोड़ और जून 23 में आया था 62 करोड़। क्वार्टर टू के रिजल्ट भी शानदार आने की उम्मीद है। और इसी बीच फेमस ब्रोकरिंग हाउस और इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट दिया है 4,950 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने दिया है और बाय कॉल दिया है। कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरिन लिमिटेड, NAVIN, नवीन फ्लोरिन लिमिटेड कंपनी का नाम है जो कि स्पेशलिटी केमिकल की एक शानदार कंपनी है। कंपनी का शेयर बॉटम आउट हो चुका है और मॉर्गन स्टैनली ने बाय कॉल दिया है। तो जो लोग बॉटम आउट शेयर और फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर चाहते हैं इस कंपनी को जो बाय करने के बारे में सोच सकते हो, जो कि आने वाले दिनों में अच्छा रन अप दिखा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।